नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन डिस्कशन कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या था जी, लेंगेविन थ्योरी। प्रतिचुंबकत्व के लिए भी थी और अनुचुंबकत्व के लिए भी थी। इससे यदि अपन आगे बढ़े तो अपन ने जैसा कहा था कि कोई भी लोहे चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, उसका डिस्कशन अपन एक मेथड से करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डोमेन। एक क्लास में आपको बताया भी था कि क्या डोमेन होती है, किस प्रकार से इनकी पोजीशन होती है। लेकिन डोमेन जो बताया था वो एक साइंटिस्ट पे, जिसका नाम क्या था, वाइस। मींस जब भी अपन कहेंगे लोहे चुंबकीय पदार्थ तो किसका नाम आएगा, वाइस। तो अपन एक नॉर्मल हेडिंग लगा लेते हैं कि लोहे चुंबकत्व का वाइस सिद्धांत, ठीक है, इन इंग्लिश वाइस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। मीन्स अब अपन ये पढ़ेंगे कि लोहे चुंबकत्व के बारे में वाइस ने क्या बताया था। और जब कोई भी थ्योरी होती है इन फिजिक्स, कोई ना कोई उसका स्टैंडर्ड खत्म होता है। मीन्स अपन कहेंगे कि वाइस ने जो बताया था वही क्या आएगा, लोहे चुंबकत्व का वाइस सिद्धांत। कब प्रतिपादित किया जी, 1907 में यह सिद्धांत आया था, ठीक है। था क्या, समझना ध्यान से, कोई भी स्थूल नमूना होता है, देखो दो अवस्था होती है, एक तो होती है सूक्ष्म अवस्था और दूसरी होती है स्थूल अवस्था, मीन्स माइक्रो और ये वाली मैक्रो। तो ये जो वाइस सिद्धांत था वो स्थूल अवस्था मीन्स बड़ी अवस्था के ऊपर एप्लीकेबल था। और जब स्थूल अवस्था का कोई भी नमूना होता है उसमें छोटे छोटे क्या बनते हैं जी, डोमेन। अपन सपोज करके चलते हैं कि ये कोई लोहे चुंबकत्व का कोई पदार्थ है, ठीक है, ये बड़ा अपने लिया क्योंकि स्थूल निकाय है और इस स्थूल निकाय में छोटे छोटे क्या बनते हैं जी, डोमेन बनते हैं। मीन्स पहला कथन क्या था, स्थूल निकाय में छोटे छोटे डोमेन बनते हैं। कैसे बनते हैं जी, मान लो यहां काट दिया, ये वाला काट दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो, यहां इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया जी, डोमेन। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, बड़ा निकाय उसमें क्या बनेंगे, छोटे डोमेन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये डोमेन बन जाते हैं तो डोमेन बनने के बाद जो प्रभाव होता है उसको अपन कहेंगे कि स्वतः चुंबकन वहां पे हो जाता है। मीन्स अपने आप वो पदार्थ क्या होने लगता है, चुंबकित होने लगता है। और जब स्वतः चुंबकन पैदा हो जाता है तब वहां एक आणविक क्षेत्र काम करता है। कौन सा क्षेत्र काम करेगा जी, आणविक क्षेत्र। अब आणविक क्षेत्र में क्या होगा कि जो भी इसमें द्विध्रुव बन रहे हैं, ठीक है, मीन्स कोई भी द्विध्रुव होगा वो द्विध्रुव समांतर आने की कोशिश करेगा। तो सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या सीखा कि स्थूल निकाय जब छोटे निकाय में चेंज होता है स्वतः चुंबकन के द्वारा क्या बने, डोमेन। तो डोमेन बनने के बाद एक क्षेत्र पैदा होता है, उसका नाम क्या होता है जी, आणविक क्षेत्र होता है। और इसमें क्या होता है, जो भी द्विध्रुव होता है वो समांतर संरक्षित होने का प्रयास करता है। जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो आप इजीली अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। ये तो थी थ्योरी, देखिएगा ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इसमें थ्योरी काफ़ी है, तो थ्योरी अपने को पढ़नी भी पड़ेगी, थ्योरी एग्जाम में भी आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोहे चुंबकत्व का वाइस सिद्धांत क्या है, तो दोनों पॉइंट अपने को बताने होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन भी होना चाहिए। अपन कह रहे हैं आणविक क्षेत्र, तो आणविक क्षेत्र एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। और वाइस ने इसको कैसे लिया था कि एच एम कोई चुंबकीय क्षेत्र है, समझ आई बात आपकी।
और इस एच एम का जो मान होता है वो देखना आप वाइस के अनुसार इस आणविक चुंबकीय क्षेत्र या आणविक क्षेत्र का मान एम के समानुपाती होता है। यदि समानुपाती कांस्टेंट को हटाएं, एम क्या है जी, तीव्रता, आई से भी डिनोट करते हैं लेकिन अपन क्या लेंगे एम, समानुपाती हटाओ, एक कांस्टेंट आ गया लैम्डा इनटू एम, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब मैं कहूं आप हमें ये बताइए कि टोटल चुंबकन कितना पैदा हुआ। ठीक है, टोटल चुंबकन का मतलब अपन मान लेते हैं एच इफेक्टिव है। ठीक है, टोटल का मतलब कितना इफेक्टिव बाद में रह जाएगा, तो अपन ये मान के चलते हैं अपना वाइस के द्वारा कितना है जी एच एम, और कोई चुंबकीय क्षेत्र वहां पे क्या है एच, तब इसको कोई इक्वेशन अपन टू दे देते हैं और मैं कहूँ बाई इक्वेशन वन एंड टू अपन क्या लिख सकते हैं एच इफेक्टिव इक्वल एच प्लस एच एम की जगह वैल्यू रख दीजिए लेमडा इंटू एम। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो वाइस के आधार पर इफेक्टिव आणविक क्षेत्र को शो करेगा। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन नेक्स्ट आगे टॉपिक में काम आएगा। जैसे आपने सुना है ना क्यूरी बायस का नियम, तो अपन सिद्ध करेंगे कि क्यूरी बायस का नियम कैसे आता है। ठीक है, और उसमें ये वाला इक्वेशन आपके काम आएगा। पूरा टॉपिक क्या था, क्या थ्योरी थी, नॉर्मल डेरिवेशन क्या था, समझ आया। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ एक वर्ड आता है, पहले ये सुनना आप, जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखते हो, इमेजिन करो इधर कोई सिरा एन है चुंबक का, इधर कोई सिरा एस है। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला पदार्थ यहाँ रख दिया, तो कई बार क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लगने से इस पदार्थ की लंबाई में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मीन्स इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, क्या कहा मैंने, चेंजमेंट इन लेंथ, उस परिवर्तन को एक नाम होता है चुंबकीय विरूपण, मीन्स मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन। समझ आई बात, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखने से उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय विरूपण कहते हैं। छोटा क्वेश्चन आया हुआ है कि चुंबकीय विरूपण क्या है, तो वेरी इजी है। अब इसके कई बार एग्जांपल पूछता है, तो एग्जांपल आप ध्यान रखना एफ ई सी ओ और क्या होता है जी एन आई, ऐसे और भी होते हैं लेकिन एग्जाम्पल दो या तीन ध्यान रखा करो, एफ ई सी ओ एन आई किसके एग्जाम्पल हो गए जी चुंबकीय विरूपण के। समझ आया, इतना ध्यान रखो यदि पदार्थ की लंबाई में चेंज हो गया तो विरूपण मतलब विकृति याद करो, विकृति क्या होती थी अंतिम बट्टा प्रारंभिक, यदि जैसे ही विकृत हो जाए उसी को अपन क्या कहते हैं चुंबकीय विरूपण कहते हैं, लेकिन किसकी प्रजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रजेंस में। समझ आया, अब अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यह चैप्टर एंडिंग में है, लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि आप सिद्ध कीजिए क्यूरी का जो नियम होता है जाई इक्वल टू वो सी अपॉन टी माइनस टीसी होगा। ठीक है, टी कोई टेम्परेचर होगा, टीसी कोई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ये वाला आपने को प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा हेडिंग क्या होगा अपना, क्यूरी वायस का नियम। Means क्यूरी वेस्लो, ध्यान दीजिएगा पहले क्या होता था कि एक फिजिक्स होती थी जिसको अपन कहते थे क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा क्यूरी का नियम पैदा होता था कि C अपोन क्या हो जाता था टी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हुए। मीन्स जब अपन चुंबकीय क्षेत्र का क्वांटम सिद्धांत पढ़े, क्वांटम सिद्धांत क्यों, क्योंकि फिजिक्स की सबसे लेटेस्ट ब्रांच कौन सी है क्वांटम, तो कोई भी टॉपिक होता है वो कौन सी ब्रांच में भी होना चाहिए, क्वांटम में भी होना चाहिए। तब क्यूरी बायस का जो नियम है उसको सिद्ध करने के लिए अपने क्वांटम की टर्म काम में लेंगे। ठीक है, वो टर्म आपको याद रखनी है कि क्वांटम के आधार पर जो टर्म निकलेगी जिसको अपन कहेंगे तीव्रता की टर्म, यदि आप कहोगे तो वो वाला डेरिवेशन होता है एक पूरा,
कि चुंबकीय क्षेत्र का क्वांटम सिद्धांत कैसे पैदा होता, काफी बड़ा होता है, यदि आप कहोगे तो डाल देंगे वो भी, ठीक है। तो देखिएगा वो टर्म क्या होती है, याद रखिएगा तीव्रता कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एन जी म्यू बी जे प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, साथ में होता है जी जे जी म्यू बी, साथ में म्यू नोट एच इफेक्टिव डिवाइडेड बाई के टी। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। आप कहोगे तो कहा है मैंने, वीडियो बना के डाल देंगे, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है। इसको मैं कोई इक्वेशन वन मान लेता हूँ। ये इक्वेशन क्या है, चुंबकीय तीव्रता एम को क्वांटम फिजिक्स में चेंज करने के बाद जो लास्ट वाला इक्वेशन आपके पास निकलता है वो ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड काम में आ रहा है एच इफेक्टिव, तो अपन क्या कहेंगे बाई वाइस। वाइस ने क्या कहा था, एच इफेक्टिव किसके इक्वल होता था जी, एच प्लस लेमडा एम। इसको इक्वेशन टू, जहां पे भी एच इफेक्टिव है टू को उठा के कहां रख दो जी वन में, आपको क्या मिलेगा एम इक्वल टू कैपिटल एन, परमाणुओं की संख्या होगी, टर्म देख लेना जी लांदे विपाटन होगा, उसके बाद म्यू बी बोर मैग्नेटोन, जे प्लस वन कोई कॉन्स्टेंट होगा डिवाइडेड बाई थ्री। नेक्स्ट जे जी म्यू बी, म्यू नोट जानते हो आप, एच इफेक्टिव की जगह आ जाएगा एच प्लस लेमडा, और साथ में ये कैपिटल एम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई के टी, और टी क्या होगा कोई कॉन्स्टेंट, और के होता है बोल्ट्ज़मान कॉन्स्टेंट। आई बात समझ। अब अपन इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एम इक्वल कीजिएगा, एन एक अकेला है, जी दो है, तो जी का स्क्वायर, म्यू बी का भी क्या हो गया जी स्क्वायर, फिर आएगा जे जे प्लस वन, नेक्स्ट टर्म म्यू नोट आएगा, म्यू नोट के साथ एच प्लस क्या आ गया लेमडा एम डिवाइडेड बाई थ्री के टी, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़िएगा। अब अपन अपना कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम हो, उस वजह से अपने कांस्टेंट मान रहे हैं, और कांस्टेंट मान रहे हैं म्यू जी स्क्वायर है, वो इक्वल होगा जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर जे जे प्लस वन, ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल मैंने क्या मान लिया, ये वाला क्या मिला जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर जे जे प्लस वन। देन वी फाइंड आउट थोड़ा सा लेंथ, ये ध्यान से समझोगे तब समझ आएगा, पढ़ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम में सिद्ध आता है, क्यूरी वाइज नियम को सिद्ध कीजिए। एम इक्वल कैपिटल एन म्यू जे स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या रहा जी म्यू नोट डिवाइडेड बाई थ्री के टी, साथ में क्या आ गया एच प्लस लेमडा एम, जहाँ ये जो लेमडा होता है, वहाँ बताया नहीं था कि आपको लेमडा होता है वायस नियतांक, वायस नियतांक, ठीक है, वायस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है आपको कुछ आइडिया लग रहा है, इधर एम है, इधर भी क्या है एम, एम को एक तरफ कर लो, ठीक है। देखिएगा कैपिटल एम इक्वल एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट डिवाइडेड बाई थ्री के टी, एच से मल्टीपल हो गया पहले, प्लस एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट, साथ में क्या आ जाएगा जी लेमडा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई थ्री के टी, इस वाले को इधर भेज दो, एम माइनस हो जाएगा कैपिटल एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट लेमडा एम डिवाइडेड बाई थ्री के टी, दैट इक्वल एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट एच डिवाइडेड बाई थ्री के टी, घबरा तो नहीं रहे ना, ठीक है। फिर एम में बाहर ले लेता हूँ, क्या रहेगा वन माइनस एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट लेमडा डिवाइडेड बाई थ्री के टी, दैट इक्वल एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट एच
अपॉन 3 kT। फॉलो किया यहाँ तक। अब अपन यहाँ एक कांस्टेंट मानेंगे कि ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट लेमडा अपॉन 3 kT, इसको कांस्टेंट मानेंगे अपन TF, कि कोई टेम्परेचर है। क्या बोला मैंने, ये वाला मीन्स इमेजिंग एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट लेमडा अपॉन 3 kT। ये जो टर्म होती है वो टर्म टेम्परेचर की टर्म होती है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन टेम्परेचर के पदों में निकलता है, तो अपने को टर्म भी टेम्परेचर की ही लेनी पड़ेगी। और यही जो टेम्परेचर होता है वो होता है जी TC। TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। कई बार इस TC को TF भी लिख देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। M1 TC/T दैट इक्वल एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट जे अपॉन 3 kT। आई बात समझ। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा, मैं कहूँ आपको M, H को इधर ले आओ, M अपॉन H। क्यों लाया, क्योंकि M अपॉन H क्या होता है, जाई होता है, और वहाँ तक अपने को पहुँचना है। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, N म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट डिवाइडेड बाई 3 kT, और ये वाला उधर चला जाएगा, तो 1 TC/T क्या हो गया, T। बढ़िया है कि M अपॉन H आइडिया लग रहा है, ये वाला कोई कांस्टेंट होगा जिसको अपन C मान लेंगे, ठीक है। इसकी जगह रख दिया अपन ने C/T, 1 TC/T। इसको अपन ने C क्यों माना, क्योंकि इस वाले में टेम्परेचर की टर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसमें क्या नहीं है, पहली बात तो लेमडा नहीं है, तो लेमडा नहीं है तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए टेम्परेचर की टर्म नहीं आएगी। मीन्स अपन ने क्या माना है, सी की जगह एन म्यू जे स्क्वायर म्यू नोट डिवाइडेड बाई 3 kT, ठीक है। एम अपोन एच दैट इक्वल सी अपोन टी को अंदर मल्टीपल कर दो, टी माइनस, ये टी यहाँ आएगा तो टी से टी चला जाएगा, माइनस क्या आएगा TC। मैं कहूँ जाई क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, M अपॉन H। इन दोनों समीकरणों से आप क्या लिख सकते हो, जाई इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC, जो कि किसका नियम है, क्यूरी बायस का नियम है। समझ आया, थोड़ा सा ये लेंथ ही होता है क्योंकि इसमें टर्म होती है वो क्वांटम फिजिक्स के काम में आती है, और क्वांटम फिजिक्स पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना। वहाँ पे भी देखा होगा कि क्वांटम की जो टर्म होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल निकलती है। समझ आया। इसी के साथ अपना जो ये चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। इससे जस्ट आगे वाला चैप्टर बताया हुआ था आपको, क्या आएगा, अति चालकता मीन्स सुपर कंडक्टिविटी। हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, मैं कहूँ कोई भी चालक है मीन्स कोई भी कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर का मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है जी, करंट फ्लो होगा, क्योंकि आपको नॉर्मल पता होगा जिसमें करंट फ्लो होता है वो चालक होता है, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर होता है, मीन्स कुचालक होता है। तब अतिचालकता क्या होती है, कि कोई भी चालक है इसका कोई ना कोई क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो अतिचालकता के लिए एक पहले तो टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं TC कि क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपन क्या कहें कि इस क्रांतिक ताप से कम ताप के ऊपर जो गुण निकल के आता है वो वाला गुण क्या होता है, अतिचालकता होता है। पहली बात, टेम्परेचर बहुत है, इस TC से क्या होना चाहिए, कम। जैसे अपन इमेजिन करके चलते हैं कि जो HG होता है उसके लिए टेम्परेचर क्या होता है जी, 4.2 केल्विन, पढ़ा है ये छोटी क्लास में आपने, अतिचालकता की सिचुएशन में। तो इससे कम पर ये क्या, 4.2 केल्विन से कम पर तो अतिचालक होगा, लेकिन 4.2 से बाद में ये अतिचालकता का व्यवहार श्योर नहीं करेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि जब मान लो कि ये पदार्थ है, इसको आपको अतिचालक बनाना है, तो इस पर क्या लगाओगे आप, चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे। जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो इसमें क्या फ्लो होगा जी, कोई ना कोई करंट फ्लो होगा। लेकिन यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें,
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी यदि इसमें जो धारा है वो अनंत काल तक मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक यदि प्रवाहित होती रहे तब ऐसी घटना को क्या कहते हैं जी, अतिचालकता कहते हैं और इसे पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना उसमें अपन अतिचालकता के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। समझ आया? यदि कोई प्रॉब्लम होती है डेरिवेशन में टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर देंगे। इंस्टाग्राम पे भी आ जाइएगा।